नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पटेल वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एमपीजी के सीरीज में मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम भोजपुर के बारे में पढ़ेंगे। भोजपुर एक पर्यटन स्थल है जो कि भोजेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है, तो हम भोजेश्वर मंदिर के बारे में तथा भोजपुर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो भोजपुर है वह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में अवस्थित है, राइट। यहाँ पर भोजपुर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है और यह भोपाल के दक्षिण पूर्व में 28 किलोमीटर दूर अवस्थित है। भोजपुर में स्थापित राजा भोज के द्वारा स्थापित भोजेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है और इस भोजेश्वर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ या पूर्व के सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। और यह जो सोमनाथ मंदिर है यह पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, तो इसकी स्थापना किसने की, कब की, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे। देखिए, भोजपुर का शिव मंदिर। भोजपुर में एक पहाड़ी है। देखिए, भोजपुर जो शहर है, भोजपुर शहर के बगल में ही एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर एक विशाल मंदिर है और वह जो विशाल मंदिर है उसमें शिवलिंग की स्थापना की गई है, अर्थात यह भगवान शिव का मंदिर है। तो भोजपुर के समीप एक विशाल पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी और यह स्थापना किसने करवाई थी, राजा भोज ने, राइट। राजा भोज ने ही भोजपुर नगर भी बसाया था और पहाड़ी पर एक शिवलिंग की स्थापना भी कराई थी। बाद में जाकर वह मंदिर के रूप में उत्कीर्ण हुआ और वर्तमान में जिसे उत्तर भारत का सोमनाथ या पूर्व के सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और इसका निर्माण किसने कराया था, राजा भोज ने कराया था, राइट। इसके साथ ही यह जो मंदिर है, इस मंदिर में गर्भगृह है और उस गर्भगृह में एक बड़ा पत्थर है और उस पत्थर को काट कर उसको पॉलिश करके एक लिंग बनाया गया है और ऐसा माना जाता है कि मंदिर के अंदर लिंग जो है वो सबसे बड़ा है, कहाँ का, यही भोजपुर का, राइट। तो आप ये मान सकते हैं कि भोजपुर के जो मंदिर का लिंग है वह भारत के सभी जो मंदिर हैं उनके लिंगों में क्या है, सबसे बड़ा है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3.85 मीटर है, राइट। तो यहाँ पर भोजपुर के शिव मंदिर की स्थापना राजा भोज ने करवाई थी, राइट। इसका जो लिंग है वो मंदिरों में पाए जाने वाले लिंगों में सबसे बड़ा माना जाता है और यह जो लिंग है उसको एक बड़े से पत्थर को काट कर उसको पॉलिश करके बनाया गया है। इसके साथ ही यह जो मंदिर है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। इसके साथ ही भोजपुर मंदिर के अलावा भी भोजपुर बेतवा नदी के उद्गम के लिए जाना जाता है, तो उससे संबंधित जानकारी भी पढ़ते हैं, राइट। देखिए, तो भोजपुर के समीप पहाड़ी है जहाँ पर भोजपुर मंदिर अवस्थित है। इसके साथ ही भोजपुर के समीप ही घने सघन वन में बेतवती नदी, या जिसको ही क्या कहा जाता है, बेतवा नदी कहा जाता है, और यह नदी का उद्गम जो है वो कहाँ पे माना जाता है, कुमरी गांव में माना जाता है। तो भोजपुर के निकट कुमरा गांव के, या कुमरा गांव से ही, भोजपुर के निकट कुमरा गांव से सघन वन में बेतवती नदी का उद्गम होता है और यह एक कुंड से निकलकर क्या करती है, यह नदी बहती है। आगे जाकर यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में जाकर यह नदी यमुना नदी में समाहित हो जाती है। इसके अलावा राजा भोज ने भोजताल का भी क्या किया था, निर्माण करवाया था। तो राजा भोज ने भोजताल का भी निर्माण कराया था। देखिए, ये भोजपुर से संबंधित अतिरिक्त जानकारी है, राइट। तो भोजताल का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था और ऐसा माना जाता है कि होसंग शाह ने इस तालाब को क्या कर दिया, तोड़वा दिया। अब जाहिर सी बात है कि अगर तालाब टूटेगा तो उसका जो पानी है वो आसपास क्या होगा, फैल जाएगा, और जैसे ये तालाब टूटा तो आसपास के क्षेत्रों में क्या हो गया, पानी भर गया और
उसके बीच में एक टापू सा बन गया। जैसे मैंने कहा कि ये तालाब है, अब इसको तोड़वा दें तो ये आसपास क्या होगा, पानी भर जाएगा, लेकिन बीच में क्या हुआ, एक टापू बन गया जिसको क्या कहा गया, द्वीप। और बाद में जाकर यही जो क्षेत्र है या इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मंडी द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो वास्तविक रूप से जो मंडी द्वीप है उसका निर्माण अगर हम माने तो किस तरीके से हुआ है कि होसंग शाह ने भोजताल जो था उसको तोड़वा दिया था जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया और ये जो द्वीप बन गया उसको ही बाद में जाकर किस नाम से जाना जाने लगा, मंडी द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। और आपको पता होना चाहिए कि मंडी द्वीप भी मध्य प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, एक पीतमपुर है और दूसरा क्या हो जाएगा, मंडी द्वीप हो जाएगा। यह भी एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, इसके साथ ही यहाँ पर मकर संक्रांति का मेला भी लगता है। तो ये भोजपुर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। तो भोजपुर भोजेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है जिसको पूर्व का या उत्तर भारत का सोमनाथ कहते हैं। इसके साथ ही भोजपुर के निकट कुमरा गांव से ही बेतवा नदी का उद्गम होता है। इसके साथ ही जो भोज तालाब था या भोज ताल था उसके टूटने से ही मंडी द्वीप का निर्माण हुआ है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये हमने भोजपुर के बारे में पढ़ा, अगली कक्षा में मिलते हैं। थैंक यू।